उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैंडलूम की दुकान में आग लग गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग ने देखते ही देखते एक विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की वजह से गोदाम में रखे दरी, चादर व सूत के बोरे जलकर खाक हो गए। हैंडलूम के मालिक सरताज अली ने बताया कि वह व उसका भाई इरशाद अली दोनों साझे में मिलकर हैंडलूम चलाते हैं और पटना, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा व अलग अलग राज्यों में जाकर दरी चादर बेचा करते हैं। सरताज अली ने बताया कि उसका नीचे दरी चादरों का गोदाम है और ऊपर वह अपने परिवार के साथ रहता है। बीती रात भी वह अपने परिवार के साथ सो रहा था। लगभग 2 बजे मोहल्ले वालों को आग लगने की भनक हुई तो उन्होंने शोर मचाया। शोर मचाने पर सरताज हड़बड़ाकर उठा और उसने देखा कि नीचे गोदाम में आग की लपटें उठ रही हैं। सबसे पहले मोहल्ले वालों ने खिड़की के सहारे से सरताज, उसकी पत्नी नईमा और इसकी बेटी इनायत को खिड़की के सहारे बाहर निकाला और तुरंत फायर ब्रिगेड को कॉल व कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। कॉल करने के बाद 20 मिनट के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंच गई और कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया था कि वह काबू में होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपने अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर जिला मुरादाबाद से फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां मौके पर आई और लगभग 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना पर कोतवाली प्रभारी गजेंद्र त्यागी व अग्निशमन के मुख्य अधिकारी मुकेश कुमार ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं सरताज अली ने बताया कि उसके हैंडलूम में लगभग 30 कारीगर काम करते हैं और उसकी फर्म का कोई बीमा नहीं है। आग लगने के कारण लगभग उसका 50 लाख का नुकसान हुआ है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। भाई, जो गोदाम में आपके कपड़े गोदाम में आग लगी, किस चीज से आग लगी है? तो कितना नुकसान हुआ? 93,000 जोड़ा था इसमें। 93,000 जोड़ा किस चीज़ का? 100 का हो गया सामान, डेढ़ का आसपास। कितने लाख का? डेढ़ के आसपास। अच्छा, तो घटना किस टाइम की होगी? ये 12:30 बजे रात जी। तो किस चीज़ से लगता है आपको आग लगी है? लाइट से लगी है। लाइट से, शॉर्ट सर्किट से। सर, बिलारी थाना क्षेत्र के गोदाम में आग लगी थी, क्या पूरा मामला था और आग पर कितनी देर पर काबू पा लिया गया? वहाँ पर सूचना मिली कि एक अब्दुल्लापुर वार्ड नंबर 21 है अंधेरा, और उसने सरताज नाम के लिए व्यक्ति था, उसका गोदाम था। कभी वो जो दरी वगैरह बनाने उसको बनाने का कारोबार था, तो हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँची। आग शायद काफ़ी पहले की लगी रही होगी। पड़ोसी ने देखा, देखने के बाद में पड़ोसी ने उनको जगाया, वो ऊपर सोए हुए तथा उसमें जो फंसे हुए थे उनकी पत्नी और उनकी बच्ची की हिंसा थी, उनको हमारी टीम जैसी पहुँची। 100 देर पहले लोगों ने उनको निकाला, और क्योंकि गोदाम काफ़ी गहरा था, उसमें अंदर नहीं पहुँचा जा रहा था, और आग काफ़ी मतलब लत्तों के साथ जल रही थी। हमारे ख्याल से उसकी टीम ने उसको कंट्रोल किया। जब गाड़ी कम पड़ी उसी दौरान तत्काल हमने 3 गाड़ी और रवाना किया यहाँ से। मैं भी पहुँचा, हमारा रिश्तेदार भी पहुँचे, और लगभग क्योंकि कार्य करने में दिक्कतें आ रही थी, ज़्यादा गहराई थी, तो उनसे तालाब पानी लेते हुए लगातार आग को बुझाया और उसमें कोई भी हानि नहीं। कितने घंटे ऑपरेशन चला है ये जो आग बुझाने जो है? लगभग 5-6 घंटे हुआ। 5-6 घंटे ऑपरेशन, तकरीबन कितने का नुकसान बताया जा रहा है? कोई आलंकन हुआ कुछ? नुकसान के बारे में भी उन्होंने कुछ बताया नहीं है, और लाखों में नुकसान बता रहे हैं कि ये जो उसके मालिक हैं थोड़ा बर्बाद हो ही जाता है जब आदमी यहाँ आ रही होती है। और बता रहे थे लॉकडाउन की वजह से उनका जो माल था वो भी उसमें काफ़ी मात्रा में हुआ था। ठीक, आग पर काबू पा लिया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.